हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूं। और आज जो है मिडिवल इंडिया सीरीज़ का जो है हम ये लेक्चर लेकर आ रहे हैं मुग़ल आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, अगर आपने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या फिर जो मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट खोल लीजिए मुग़ल इंडिया का और उसमें जो है जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए जो कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर है। और ये बेसिकली आपके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो है हमने जो चीज़ें फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की है जो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, जो मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर का जो है हमने जो फीचर्स जो है मेन फीचर्स वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं वो चीज़ें दिल्ली सल्तनत वाली बहुत सारी कंटिन्यू होती है मुग़ल आर्किटेक्चर में भी। और कुछ चीज़ें नहीं ऐड होती है, कुछ चीज़ें परफेक्शन में जाती है। ठीक है ना, तो हम आगे की चीज़ जो है अभी इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर जो है PGT UGC नेट और BA के स्टूडेंट्स हैं तो UPSC दे रहे हैं तो इन सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए कि आपको जो है नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डालूं मिल जाए। तो आज का जो है हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के तौर पर जो है ये पार्ट टू है आपका मिडिवल इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, और एक और आएगा इसका पार्ट 3 एंड 4 भी आएगा। उसमें हम क्या कवर करेंगे, पेंटिंग, मुग़ल पेंटिंग और विजयनगर एम्पायर का जो है हमारा वो रह गया था या फिर यूं कहें कि जो ओरिजिनल स्टाइल है ओरिजिनल स्टाइल के अंदर में जो है विजयनगर और बंगाल का जो भी है हम कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो इसके जो है दो और लेक्चर्स जो है आने हैं। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो डेफ्थ हम कवर कर रहे हैं वो आपका नेट जारिफ तक का जो है आप ये कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक देखें। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ जो है नोट्स बनाते चलें ताकि आपको जो है परेशानी ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा सब इंग्लिश में है पर हम बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, चलिए तो मुग़ल आर्किटेक्चर के हम स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं। देखिए, हमारा जो लेक्चर होगा ये होगा कि पहले हम स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, उसके बाद अलग अलग जो रूलर्स है उन्होंने जो काम किए हैं, जो उन्होंने आर्किटेक्चरल वर्क्स जो है लुकआउट किया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, पहले बाबर का, हुमायूं का, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और शाह आलम। ठीक है ना, यहाँ तक। इसके बाद बेसिकली क्या होता है, डिक्लाइन के फेज़ में चला जाता है और औरंगजेब के टाइम में जो है कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। जो चेंजेस आए थे उसके बाद क्या है, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर ज़्यादा डेवलप होता है और जो सेंट्रल आर्किटेक्चर उसमें बहुत सारी चीज़ों का जो है गिरावट होता है। ठीक है ना, हम उसकी बात करेंगे अभी औरंगजेब की जब बात करेंगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप पीछे के फीचर्स जो है मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि आपने जो है क्या क्या देखा है। हमने पहले बात की कि आर्च, डोम, मीनार्स है ना। उसके बाद जो है ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फीचर्स हैं। ठीक है ना, हमने उसके बाद बात की कि थी चारबाग पैटर्न की। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी जाली वर्क्स के बारे में। उसके बाद हमने जो एक बहुत ही कॉमन फीचर है वो कोर्टयार्ड के बारे में बात की थी, बड़े बड़े कोर्टयार्ड्स होते थे। ठीक है, पीटरा ड्यूरा के बारे में बात की। ठीक है, स्टोन का जो है या फिर ब्रिक का जो इस्तेमाल है मोर्टार, ठीक है ना,
अब देखिए स्टोन ब्रिक और मोर्टार का जो है इस्तेमाल हो रहा है आर्किटेक्चर में, ठीक है ना। आर्च में हमने बात की कि दो तरह के आर्च होते हैं, कोर बिल्ड और ट्रू आर्च। हम तीसरे तरह के आर्च के बारे में भी आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोर बिल्ड आर्च जो है आपको पता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पत्थर चढ़ा के जो है इस तरह से बनाया जाता था, है ना, इस तरह से, ठीक है ना। ट्रू आर्च जो है वो कैसा होता है, वो इस तरह का होता है और एक की स्टोन यहाँ पर सपोर्ट के लिए होता है इनको, ठीक है ना, और ये जो है बैलेंस करता है इस तरह से, एक की स्टोन होता है, अलग अलग स्टोन्स को जो है ये बैलेंस आउट कर देता है और इस तरह से एक ट्रू आर्च जो है पूरी तरह से एक जो आर्च है उसको फॉर्म करता है, ठीक है ना। ये की स्टोन है, ठीक है ना। उसके बाद हमने डोम के बारे में बात की कि हमने ये बताया कि भाई लोदी के टाइम के आते आते जो है क्या होता है, डबल डोम बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। आपको पता है हमने बताया इस तरह का जो है एक डोम ऊपर से एक डोम नीचे से, इस तरह से जो है डबल डोम जो है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो है देना लग गया था, क्योंकि डोम जो है हम देख रहे हैं बड़े बड़े बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मीनार्स की बात की, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो हमने लिखा है ये सारे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के जो है वो फीचर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हैं, पीटरा ड्यूरा का इस्तेमाल हो रहा है ना। उसके बाद हमने कुछ और बातें की थी कि किस तरह के जो है वो आर्किटेक्चर्स जो है बन रहे हैं ना, जो मॉस्क हैं, है ना, उसके बाद जो है मसोलियम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है बन रहे हैं, मतलब जो टॉम्ब हैं, मॉस्क हैं, ये सब जो है बन रहे हैं, ठीक है ना। और टॉम्ब के अंदर क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते थे, मेहराब्स होते थे, है ना, इन सब की हमने बात ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। पीछे के लेक्चर्स जो है आप देखिए, इसमें जो है ना ये पैटर्न जो है, ये जो हम फीचर्स नीचे तीन लिखे हैं ना, ये स्पेसिफिकली जो है हम मुगल के कॉन्टेक्स्ट में जो है बात करते हैं, ठीक है ना। 40 वर्ष पहले भी हमें देखते हैं पर उतने इंट्रीगेट नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। पर ये जो है मुगल में बहुत एक्सटेंसिवली जो है यूज़ होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, स्पेसिफिक जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम देखेंगे, ठीक है, चीज़ों को। चलिए आगे हम जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता है कि कैलीग्राफी होती थी, है ना, इस तरह से जो है कैलीग्राफी, क्योंकि आपको पता है कि जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, उसको उसका जो इस्तेमाल जो है वो इस्लामिक जो टेक्स्ट होते हैं उनके अंदर जो है प्रोहिबिट किया गया है ना, क्योंकि वो फॉर्मलेस गॉड की बात करते हैं, तो वो ये सब चीज़ें जो है वो होता है, ठीक है ना। पीटरा ड्यूरा क्या होता है, पीटरा ड्यूरा की हम नीचे जो है बात करेंगे। पीटरा ड्यूरा बेसिकली क्या होता है, जो मार्बल होता है ना, मार्बल के अंदर क्या है कि उसको नक्काशी कर करके ना, नक्काशी करके क्या होता है उसके अंदर सेमी प्रेसियस स्टोन डाल के एक फ्लोरल डिज़ाइंस बनाने की कोशिश की जाती है ना। अभी हम दिखाएंगे आपको उसका फोटो जो है हमने डाल रखा है इसमें, ठीक है ना, इस तरह से। और एक ये बहुत ही सुंदर जो है रिप्रेजेंटेशन जो है इसका मिलता है, ठीक है ना। ये सारे जो है ये गड्ढा कर करके जो है ना इसमें वो क्या कहते हैं वो डाला जाता है, ठीक है, सेमी प्रेसियस स्टोन डाला जाता है ना, जो चमकता है, हम अभी दिखाएंगे आपको। चारबाग स्टाइल क्या होता है, चारबाग स्टाइल क्या है कि एक स्पेसिफिक जो है स्टाइल होता है जिसके अंदर क्या है कि इस तरह से जो है बीच में जो है आपका जो भी मसोलियम या जो भी स्ट्रक्चर है वो रहेगा और चारों तरफ जो है इस तरह से जो गार्डन से गार्डनिंग की जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आप देखेंगे हुमायूं टॉम जाएंगे तो, है ना, हुमायूं टॉम में चारों तरफ आप देखेंगे वो है, ठीक है ना, चारबाग स्टाइल है। हालांकि चारबाग स्टाइल का जो है ताजमहल में भी इस्तेमाल किया गया था, उसका भी हम पैटर्न नीचे डिस्कस करेंगे उसमें क्या बदलाव है, ठीक है। व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल जो है बहुत ज़ोर शोर से होता है इनके अंदर, ठीक है ना, मुगल्स के अंदर। ये स्पेसिफिक जो है वो ट्रीट है इनका, पीछे के हमें आर्किटेक्चर में इतना ज़्यादा जो है वाइट मार्बल का यूज नहीं दिखता है, ठीक है। लोकल ट्रेडिशन और लोकल इन्फ्लुएंस हमें दिखता है, लोकल ट्रेडिशंस का जो इन्फ्लुएंस दिखता है आर्किटेक्चर मुगल स्टाइल का जो है, बंगाल के स्टाइल का जो है हमें दिखता है। फतेहपुर सिकरी का एग्जाम्पल देखेंगे हम, ठीक है, वही है। फिर मॉस्क, टॉम्ब, गार्डन, ये सब जो है बना रहे हैं ये लोग, ठीक है ना, बेसिकली, ठीक है, मेजर जो वर्क्स है वो यही है। चलिए पहले बात करते हैं हम बाबर का, ठीक है। आपको पता है कि बाबर जो है 1526 से 30 तक जो है रहता है, और इतनी शॉर्ट रेंज में जो है ना, इतना कम समय मिला है इसको, और एक तो समय भी कम मिला और उसके बाद इसके पास पैसे भी नहीं थे, लूट प्लंडर करके कितना कमाता है आदमी, ठीक है। तो क्या है कि उतना जो है मेजर वर्क जो है आपको नहीं दिखता है, लेकिन क्या है कि इसने चारबाग पैटर्न की जो है ना वो चर्चा की है बाबरनामा में, ठीक है, और इसी को जो है मुगल पेंटिंग में आपको अकबर के टाइम के मुगल पेंटिंग को में जो है आपको दिखेगा चारबाग पैटर्न, है ना।
ठीक है। उसके बाद इसने क्या बनवाए, गार्डन बनवाए थे काबुल में, ठीक है ना, आपको पता है अफगानिस्तान की राजधानी आज के डेट में काबुल है, ठीक है। और ये ज़्यादातर मतलब ये दिल्ली से रूल नहीं कर रहा था, ठीक है ना, लाहौर से रूल कर रहा था, उधर से ही, काबुल से, सॉरी, लाहौर से जो है इसका बेटा जो है वो हुमायूं कर रहा था, ठीक है। तो चारबाग पैटर्न जो है हमें दिखता है, एक सिमेट्री का कंसेप्ट होता है, जैसे हमने ऊपर बात की, देखिए सिमेट्री की बात की जाती है कि ये जो है ना चारों तरफ से एक जैसा दिखे, आप इधर से देखेंगे तो सेम दिखेगा ये, इधर से देखेंगे तो सेम दिखेगा, इधर से देखेंगे सेम दिखेगा, चारों तरफ से सेम दिखेगा, इधर से देखिएगा तो जैसा ये दिखेगा वैसा ये दिखेगा, वैसा ये दिखेगा वैसा ये दिखेगा, इस तरफ से है ना, जो सेम एंगल से अगर देखेंगे तो। ये सिमेट्री का जो है बहुत इस्तेमाल किया जाता था, है ना, इवन टॉप व्यू भी जो है आप देखेंगे तो टॉप व्यू से भी जो है आपको सेम दिखेगा, है ना। जो अगर ताजमहल का भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ताजमहल आपको चारों तरफ से जो है सिमिलर दिखेंगे एकदम, इवन टॉप व्यू भी आप देखेंगे तो सारा चीज़ जो है आपको एकदम बैलेंस दिखेगा, ठीक है। तो सिमेट्री का कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा हमें दिखता है, ठीक है। हालांकि ये ताजमहल के बारे में बात नहीं कर रहे थे, गार्डनिंग के बारे में बात कर रहे थे। और गार्डनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चारबाग पैटर्न में भी आप आगे चल के देखेंगे क्या होता है, कि एक वाटर बॉडी बनाने का एक कंसेप्ट है। हमने वाटर बॉडी का जो है कंसेप्ट पीछे के लेक्चर में भी समझाया है, पर एक यहाँ पर एक लेक्चर इसमें जो है मैं वही चीज़ें जो है दोबारा से बता रहा हूँ, कि ऐसा माना जाता है कि भाई जो भी रूलर है उसके अंडर जो है जो वाटर पे कंट्रोल जिसका होता है उसका बहुत मतलब उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है ना, रूलर को बहुत इन्फ्लुएंशियल माना जाता है, इसलिए वाटर बॉडी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। और इसका जो है वो डेकोरेशन में भी काम आता है, आपको पता है कि वो आप जाएंगे क्या कहते हैं यहाँ हुमायूं टॉम, तो वहाँ पर देखेंगे कि जो है इस तरह से नालियाँ बनाई हुई है, ठीक है ना, ये इसके इर्द गिर्द जो है इस तरह से नालियाँ बनाई हुई है और वो अच्छी लगती है देखने में, ठीक है ना, इस तरह से जो है इस तरह से नालियाँ बनाई हुई है, तो वाटर का जो है एक प्रॉपर जो है वो हमें देखने को मिलता है यूज़, ठीक है ना। इसने मस्जिद बनाए थे, ठीक है, कहाँ पर, पानीपत में और रोहिलखंड में, ठीक है ना। उसके बाद बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते हैं। बाबरी मस्जिद को बाबर ने नहीं बनवाया था, इसका जो है एक वो था रीजनल जो है रूलर था, ठीक है ना, इसका जो है वो कमांडर था बेसिकली मीर बकी, ठीक है, इसने बनवाया था बाबरी मस्जिद। आपको पता है कि बोन ऑफ कंटेंशन रहा है बहुत ही रिसेंट टाइम में, 1992 से लेके अभी तक जो है अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, है ना, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हम हुमायूं के बारे में बात करते हैं। हुमायूं का भी वैसा ही है, 10 साल का रीन था, है ना, 1530 से 40 के बीच में। 10 साल के में जो है ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, आपको पता है 40 के बाद जो है वो शेरशाह सूरी का टाइम आता है ना, और हुमायूं जो है फिर से दोबारा जो है वहाँ चला जाता है। लाहौर में बेसिकली इसका बेस था, ठीक है ना। इसने एक सिटी की स्थापना करने की कोशिश की दिनपना, ठीक है ना, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हुमायूं टॉम जो है वो हाजी बेगम ने बनवाया है, हालांकि हुमायूं ने नहीं बनवाया है, है ना, इसकी वाइफ ने बनवाया है, हम देखेंगे उसके बारे में भी जब हम अकबर के जो है वो उसके बारे में बात करेंगे तब, ठीक है। चलिए अकबर के बारे में बात करते हैं। तो अकबर के टाइम में ना एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ, हमने बताया आपको कि हम तीसरे टाइप का जो है आर्च के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं ट्यूडर आर्च, ठीक है। ट्यूडर आर्च जो है वो किस तरह होता है, आप जाएंगे लाल किला वगैरह या कहीं पर भी आप ऐसे जगह पर जाएंगे वहाँ आप क्या देखेंगे, इस तरह के आर्च जो है बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ हो सकता है आपने देखा हो या नहीं देखा हो, तो ये इस तरह के जो है इस तरह जो है आर्च आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले इस तरह का शेप दिखता था आपको मिलने देखने को, ठीक है ना। इसको जो है कॉर्बेल्ड आर्च बोलते थे, फिर आपको इस तरह का आर्च देखने को मिला गोल एकदम, इसको ट्रू आर्च बोलते थे, है ना, इसको कॉर्बेल्ड बोलते थे, इसको ट्रू बोलते थे, और इसको जो है ट्यूडर, ठीक है, ये अकबर के टाइम में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो है पहले तो इसने पैलेस बनवाया फतेहपुर सीकरी में, है ना, और पैलेस के इर्द गिर्द जो है आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है शेख सलीम चिश्ती जो है, आपको पता होगा कि आपको शायद पता ना हो, या हम चलिए बात करते हैं थोड़ा उस पर, क्या कि अकबर को जो है ना एक स्टोरी है कि अकबर को बेटा नहीं होता था, ठीक है ना, तो क्या है कि अब इसका जो है कोई हीयर नहीं था, है ना, हीयर मतलब वो क्या कहते हैं संतान जो इसके प्रॉपर्टी को जो है वो सक्सीड करे, ठीक है ना, या इसके एम्पायर को सक्सीड करे, तो नहीं था, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि ये गया सलीम चिश्ती के पास, ठीक है, जब सलीम चिश्ती ने इसको आशीर्वाद दिया और इसको फिर वहाँ से आके लड़का हुआ जिसका नाम इसने सलीम रखा, है ना, प्रिंस सलीम, और यही आगे चल के जहांगीर बनता है,
ठीक है। तो इसी की जो ये है, मतलब इसी चीज़ का जो है पैट्रोनेज देने के लिए इसने सलीम चिश्ती की जो है वो बनाया, क्या कहते हैं, जो टॉम्ब है वो इसने अपने उसके अंदर ले लिया, ठीक है ना। जो वो बना रहा था ये इस फतेहपुर सीकरी में, क्या कहते हैं उसको, फतेहपुर सीकरी में जो है ये जो पैलेस बना रहा था उसके अंदर जो है सलीम चिश्ती की जो है टॉम्ब है, ठीक है ना। एक चीज़ और है कि सलीम चिश्ती, सॉरी, अकबर जो है, आपको पता है कि दिल्ली में जो है सीट ऑफ पावर है, ठीक है ना, मतलब दिल्ली से ही सब राजा राज कर रहे थे, तो फिर ये फतेहपुर सीकरी क्यों चला गया, ठीक है। तो दो बातें हैं इसमें, एक तो ये है कि फतेहपुर सीकरी में इसने जो है 1573 में जो है गुजरात और मालवा स्टेट को जो है हराया, और वहीं उसी को जो है विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए क्या है कि इसने वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया, ठीक है ना। ये आगरा के पास ही है, थोड़ा थोड़ा दूर है, 2 घंटे का रास्ता है वहाँ से, ठीक है ना, आप देखेंगे। तो विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए जो है इसने बुलंद दरवाज़ा बनाया। बुलंद दरवाज़ा जो है आप ये है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया इसने, ठीक है। और बुलंद दरवाज़ा बनवाया तो क्या है कि इसके साथ साथ इसने और भी जो है उसके इर्द गिर्द जो है पैलेस जो है बनवाने स्टार्ट किए, ठीक है ना। पैलेस बनवाने के लिए एक तो क्या है कि इसको इसने कई सारे जो है पैलेसेस बनवाए, ठीक है। जैसे मतलब इसका सिर्फ यही नहीं था, मतलब अलग अलग एरिया में जो है इसने पैलेसेस बनवाए, जिसमें से एक ये भी था। और इसका ये मानना था कि दिल्ली से जो है इसको राज नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो दिल्ली से दूर रहने के चलते जो है इसने वहाँ पर अपना पैलेस बनवाया, वो सीट ऑफ पावर जो है वहाँ ये रहने देता है, ठीक है। उसके अंदर एक मस्क भी है, ठीक है, और उस मस्क से ही जो है इसने महजरनामा जो है वो किया था, डिक्लेयर किया था। महजरनामा क्या है, आप अकबर के रिलीजियस पॉलिसी जब आप पढ़ेंगे तो दो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, एक सुलह कुल, ठीक है, और एक महजरनामा। ये दोनों क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके एस्पेक्ट है। महजरनामा ये 1579 में इसने डिक्लेयर किया। सुलह कुल बेसिकली क्या है कि ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, कि सबकी सभी के जो है वो रिलीजन का वो ये करना, ठीक है ना। मतलब एक सबके बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना, ठीक है ना। इस तरह से क्या है कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज ना हो उसको वो करना, ठीक है। महजरनामा के थ्रू इसने क्या किया कि इसने कहा कि भाई अब सुल्तान जो है ना वो रिलीजन के मैटर्स में भी आगे है, ठीक है ना। उसको उलेमा ये नहीं बताएगी, उसको जो है ये जो ये क्लास होते हैं, प्रिस्टली क्लास होते हैं इस्लाम में, वो ये नहीं बताएंगे कि राजा जो है रिलीजियसली क्या करेगा, ये राजा खुद डिसाइड कर सकता है, ठीक है ना। ये बेसिकली मतलब इसने खुद को रिलीजन से ऊपर कर लिया, ठीक है। तो ये महजरनामा का जो है यहीं से जो है इसने वो किया था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पंचमहल है, ठीक है। पंचमहल में क्या है कि आपको बहुत ही वो दिखेगा, पर्शियन बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस दिखेगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं पंचमहल, देखिए ये आपका पंचमहल है, ठीक है। अगर आपने पहले हमारे लेक्चर्स वो किए होंगे, हालांकि पिछली बार भी जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था ग्रेजुएशन वालों को, तो मैंने ऑनलाइन ही पीपीटी के थ्रू जो है पढ़ाया था, तो आपको उस समय हमने दिखाया होगा कि ऐसे जो है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में जो है ऐसे फीचर्स जो हमने देखने को मिले रहे थे, ठीक है ना। तो बुद्धिस्ट और जैन जो पर्शियन आर्किटेक्चर है उसके उसका जो है हमें इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, पंचमहल में। और ये बेसिकली आपको जो फीमेल होती है ना, फीमेल क्वार्टर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ना, इसमें फीमेल्स वगैरह रहती थी, ठीक है। ये आपको पता है सलीम चिश्ती के जो है ये वो है टॉम्ब है, ठीक है ना। और इस सलीम चिश्ती के टॉम्ब जो है आप देखिए कि बाकी सब लाल लाल है, ये सब रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, लेकिन सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है पूरा का पूरा, आप देख रहे हैं, एकदम बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और इसमें क्या दिखेगा आपको यहाँ पर, ये देखिए ये इंट्रिकेट जाली वर्क है। सबसे पहले जो है आपको इतना इंट्रिकेटली और इतना ब्यूटीफुली जो है वो डिज़ाइन जो है जाली वर्क यहाँ आपको दिखेगा। इसके बाद हालांकि हमें दिखता है क्या कहते हैं वहाँ ताजमहल में दिखता है, पर इससे पहले उससे बेटर बेटर जो है आपको जाली वर्क से नहीं दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो है एक जोधाबाई का पैलेस है ये वाला, है ना। हालांकि ये कंटेस्टेड टेरिटरी है हिस्ट्री में, है ना, बहुत सारे हिस्टोरियन इसको गलत मानते हैं, बहुत सारे सही मानते हैं, ठीक है। एक ये और एक ये है हिरन टावर, है ना, हिरन मीनार इसको कहते हैं, ठीक है।
हिरन मिरर। इसको क्यों कहते हैं हिरन मिरर, आप देखेंगे तो इसमें स्पाइक्स जो है इसने लगाए हुए हैं ना, आपको कूल लग रहा होगा ये, पर आज के समय में कूल नहीं लग रहा, हो सकता है उस समय कूल लगता होगा लोगों को, बहुत अच्छा लगता होगा, पर आज के समय में थोड़ा अजीब लग रहा है, नहीं लग रहा आपको अजीब? तो ये बेसिकली क्या था, जो हिरन मीनार है ये बेसिकली हिरन नहीं था, है ना, हिरन के बारे में कोई नहीं है उसका, अकबर का एक एलिफेंट था, ठीक है, एलिफेंट जो है था उसका नाम हिरन था, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि भाई वो क्या कहते हैं आप, वो तो सम्राट है ना, सम्राट है, उसको जो मर्जी है वो करेगा, है ना, इंसान को जो है औरत बोलेगा, औरत को इंसान बोलेगा, है ना, तो उसकी मर्जी, तो उसने जो है अपने हाथी का नाम हिरन रखा था और वो मर गया था, तो उसी के जो है याद में इसने मीनार बनवा दिया, आप समझ रहे हैं, हाथी मरने के लिए जो है उसने मीनार बनवा दिया हाथी के लिए, तो अब पैसा है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो अकबर के बाद जो है हम, और कुछ रह गया है देख लो ज़रा अकबर, ठीक है, अच्छा इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना जो है इसी जो है उसका पार्ट था पैलेस का, ठीक है। इबादत खाना बेसिकली क्या होता था, इसमें एक रिलीजियस जो इसका पॉलिसी था उसका एक फेसिट जो है ये भी है, ठीक है ना, इबादत खाना, ठीक है, एक रिलीजियस फेसिट का जो है एक ये भी जो है पार्ट था, ठीक है, जिसमें क्या है कि इबादत खाना में क्या होता था कि ये जो है अलग अलग, जैसे बुद्धिस्ट है, सब बुद्धिस्ट तो नहीं थे, होते थे उस टाइम पर्शियन, है ना, पर्शियन जो है पारसी लोग होते थे, और क्रिश्चियंस होते थे, बेसिकली अकबर के टाइम तक क्रिश्चियंस आने स्टार्ट हो गए थे क्योंकि पोर्चुगीज जो है आना स्टार्ट हो गए थे उस समय, ठीक है, 1498 में फर्स्ट पोर्चुगीज जो है यहाँ पर आता है, तो पोर्चुगीज़ वगैरह, तो क्रिश्चियंस है ना, हिंदूज और अलग अलग जो भी है जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे उसको बुला के यहाँ पर एक डिटेल डिस्कशन चलती थी किसी भी मैटर पर, ठीक है ना, और अलग अलग चीज़ों पर। अकबर हालांकि क्या है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था पर बहुत समझदार व्यक्ति था वो, ठीक है, तो इस तरह जो है आप देखेंगे कि इबादत खाना जो है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्लेस जो है माना जाता था अकबर के टाइम में, ठीक है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आप देखेंगे कि 1580 तक जो है अकबर के जो मान के चले कि इसका जो फर्स्ट फेज होता है ना 75-75 तक, 1575 तक जो है अकबर बहुत ज़्यादा जो है वो उलेमा की तरफ झुका हुआ होता था, इस्लाम की तरफ झुका हुआ होता था, लेकिन 1580 आते आते तक वो एकदम लिबरल बन जाता है, ठीक है ना, और रिलीजियस चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था उसको शुरू से ही, तो इसलिए क्या है कि आप देखेंगे कि वो एक डिस्कशन का जो है एक डिस्कोर्स जो है वो तैयार करता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसी के टाइम पीरियड में ये कुछ 1556 में जो है शायद बना था, ठीक है, 56-58 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कौन सा टाइम पीरियड था ये, तो इस समय जो है हाजी बेगम ने जो है हुमायूं का टॉम्ब बनवाया था, ठीक है ना, हमने हुमायूं वाले में आपको बताया था कि हम वहाँ बात करेंगे अकबर के टाइम में, ठीक है, तो हुमायूं टॉम्ब जो है यहीं पर दिल्ली में है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के जो है वो दरगाह वरगाह है वहीं पर जो है आपको पता है निज़ामुद्दीन नगर के पास, शायद हज़रत निज़ामुद्दीन के पास है, ठीक है ना। तो हुमायूं टॉम्ब में क्या है कि आप देखेंगे कि वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और रेड सैंडस्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है, मतलब वाइट और रेड आप देख रहे हैं ना, इसमें जो है छोटे 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 वर्क्स जो है ये मार्बल का जो है किया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है ना प्रीकर्सर टू ताजमहल था, मतलब ताजमहल जैसा सुंदर जो है इसको बनाने की कोशिश की गई थी, है ना, और इसी से इंस्पायर होकर शाहजहां ने जो है ताजमहल बनवाया है, मतलब ऐसा माना जाता है कि इससे इंस्पिरेशन जो उसने ली होगी, क्योंकि ताजमहल आप देखेंगे और वो देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिखेंगे, है ना। देखिए आप, ये आपका ताजमहल है, ये तो दूसरा है बीबी का मकबरा, इसके बारे में बात करेंगे हम, तो मोर और लेस क्या है कि आपको बस कलर का जो है वो डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिटेलिंग की गई है उसमें, पर ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें चार बाग पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, इसी की हम बात कर रहे थे। आप यहाँ से देखिए कि एक ये रोड जा रहा है, इधर से रोड जा रहा है, इधर से रोड जा रहा है, इसके पीछे से रोड जा रहा होगा, और ये वाला इधर 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 जो है वो बाग बनाए हुए हैं ना, और इसके बीच आप देखेंगे ये वाटर कैनाल्स हैं, और इसी तरह इधर भी वाटर कैनाल्स होंगी, इधर भी वाटर कैनाल्स होंगी, इधर भी वाटर कैनाल्स होंगी, ठीक है ना। तो पानी का और उसका जो है आप डिटेल में जो है वाटर बॉडी का और चार बाग का स्टाइल का जो है आप देख सकते हैं ना पूरा पैटर्न जो है, आप समय मिले तो आप जो है वहाँ विजिट कर लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये मेन टॉम्ब है और मेन टॉम्ब के जो है इर्द गिर्द जो है 8 जो है स्मॉलर हॉल जो है बनाए गए हैं, ठीक है ना, ये देखेंगे आप आगे चल के, ठीक है, और इसको जो है बिस्ट बोला जाता था, ठीक है।
उसके बाद अकबर ने और क्या किया था, अकबर ने जो है आगरा का फोर्ट बनवाया था, ठीक है। अब आगरा का फोर्ट जो है बाद में वहाँ से फतेहपुर सीकरी के बाद जो है आगरा में फोर्ट बनवाया गया था, ये वाला आगरा फोर्ट है, आप कभी जाएंगे अगर मौका लगेगा तो देखिएगा। और इसमें ऐसा माना जाता है ना कि 800 वर्कर्स जो एम्प्लॉय किए गए थे और कम से कम जो है 200 वर्कर जो है, सॉरी 8000 है, 800 नहीं 8000 है, 2000 वर्कर्स जो सिर्फ पत्थर तोड़ने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते थे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कितना जो है मैसिव जो है वर्क जो है यहाँ पर किया गया था और मैसिव स्केल पे जो है इतने बड़े फोर्ट को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मल्टीपल जो है बिल्डिंग्स इसके अंदर है, जिसमें दीवाने आम दीवाने खास, हालांकि इसको जो है शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है ना। ये दो स्ट्रक्चर शाहजहां ने बाद में चल के बनवाया था, मोती मस्जिद है, हरेम है और झरोखा दर्शन है, ठीक है। झरोखा दर्शन बेसिकली ये इसके लिए जो टर्म यूज होता था मुझे ध्यान में नहीं था अभी, पर इसके लिए क्या है कि एक ना इस तरह से आप देखिए यहाँ पर एक छज्जा की तरह जो है ना बनाया जाता था, इस पर सम्राट आता था यहाँ पर, ये नहीं है अंदर में है वो, यहाँ सम्राट आता था और क्या है कि वो लोगों को क्या है कि लोग उसको देखने आते थे कि भाई सम्राट सब कुछ ठीक है ना, पता नहीं कि रात वात में किसी ने टपका उपका के चला गया है ना, होता था यूजुअली जो है। आप देखेंगे कि कॉन्स्पिरेसी जो है कोर्ट में चलती थी कि उसका जो है हत्या उत्या कर दी जाती थी, है ना, आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में भी। तो इसलिए क्या है कि ये वाला एक जो है प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करता है झरोखा दर्शन का, है ना। अकबर हरेम जो है क्या होता था, हरेम में बेसिकली क्या होती थी कि जो वुमेन होते थे अकबर या जो भी आगे फर्दर जो है आप देखेंगे आगे चल के कभी भी वॉर होती थी, तो वॉर में क्या होता था कि वॉर जिस एरिया में अगर हो रहा है उस एरिया के में वॉर जीतने के बाद क्या करते थे, वहाँ से वीमेन को एक कैप्टिव में लेकर आते थे, वहाँ से वीमेन को जो है अबडक्ट करके लाते थे और फिर ये हरम में रखते थे, ठीक है ना। उनका जो है एक्सप्लोटेशन किया जाता था यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे, है ना। अच्छा ये मोतियो नहीं है, मोती मस्जिद है, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मोती मस्जिद इसी के अंदर है, ठीक है। और मोती मस्जिद जो है आप देखेंगे ये, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, दीवाने आम और दीवाने खास, ये दीवाने आम है देखिए और ये दीवाने खास है, बहुत छोटू सा है और इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है रहे होंगे। ये मोती मस्जिद है आपका, ठीक है ना, आप देख सकते हैं सब इसके अंदर में ही है, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर में, आप अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। जहांगीर के बारे में बात करते हैं, अब जहांगीर का जो है ना मतलब आर्ट आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था आपको, आपको पता है वो प्रिंस सलीम और अनारकली कली वाला जो है आपने कहानी सुनी होगी। तो क्या है कि अब प्यार में डूबा हुआ व्यक्ति जो आर्किटेक्चर जो है वो नहीं करता है, वो पेंटिंग की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है ना। तो क्या है कि आपको जहांगीर के समय में पेंटिंग जो है बहुत मतलब उत्कृष्ट लेवल के जो है दिखेंगे, ठीक है ना, बहुत ही हाई लेवल की जो है पेंटिंग आपको दिखेगी, बहुत बेहतरीन जो है दिखेगी जहांगीर के टाइम पर। पर उस समय जो बहुत ज़्यादा जो है आर्किटेक्चरल वर्क जो है वो कैरी आउट नहीं किए गए थे, ठीक है। जो आर्किटेक्चरल वर्क कैरी आउट किए गए थे उसमें अकबर का टाउन जो सिकंदरा में है उसके आर्किटेक्चरल वर्क कैरी आउट किए गए थे, और जहांगीर का जो है टाउन लाहौर में उसने खुद अपना टाउन बनवाया था, उसको ये विश्वास नहीं था कि भाई उसके जो आने वाले बच्चे हैं वो बनवाएंगे कि नहीं, है ना, तो इसलिए उसने खुद बनवा लिया था, ठीक है ना। एक इमादुद्दौला इसका शायद वो था। अब इमादुद्दौला के बाद जो है ना एक स्टोरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो देखिए उसके बाद क्या है कि देखिए पहले हम जहांगीर के टॉम्ब है ना उसके बारे में हम बात कर लें। ये देखिए लाहौर में जो है ठीक है ना, जहांगीर का टॉम्ब है, ठीक है, जहांगीर का टॉम्ब है और ये लाहौर में है, ठीक है। और इसमें आप जब देखेंगे ना तो आप देखिए ये कितना बढ़िया से इसमें आपको पीटर, इसमें तो शायद नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है ना, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है पिक्चर तो। और क्या है कि इसमें आपको पीटर ड्यूरा का इस्तेमाल दिखेगा, ठीक है ना, पीटर ड्यूरा का इस्तेमाल आप देखेंगे, है ना, इंट्रिकेटली जो है वो एक तो मार्बल का इस्तेमाल दिखेगा, उसके बाद पीटर ड्यूरा का इस्तेमाल दिखेगा, है ना। पीटर ड्यूरा आपको पता है कि वो कार्विंग्स जो की जाती है मार्बल में और उसके बाद जो उसमें सेमी प्रेसिस स्टोन को भर के उसको फ्लोरल डिजाइन और अच्छे अच्छे डिजाइन दिए जाते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। ये टॉम्ब है इमादुद्दौला का, ठीक है ना, ये भी लाहौर में है। और इसमें जानते हैं क्या है कि ये इसमें भी पीटर ड्यूरा का इस्तेमाल किया गया है, और ये जो है ना ये एक उसकी क्वीन थी जहांगीर की जिसका नाम था नूरजहां। अच्छा एक चीज और है, ये नूरजहां जो है एक ऐसा फिगर है जो कंट्रोवर्शियल है, ठीक है ना, इसका जो है मतलब बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री में कंट्रोवर्सी चलती है इसके ऊपर, और इसका असली नाम जो है कुछ और था। तो इसके फादर जो है वो एक वो थे क्या कहते हैं एक मनसबदार थे, ठीक है ना, और उसके लिए जो है क्या है कि
अब ये बहुत ही वीक रूलर था जहांगीर, जो ना पॉलिटिकली बहुत वीक था, ठीक है। तो इसके जो कोर्ट में जो पॉलिटिक्स चलती थी उसके उसके कारण जो है इसकी बेगम जो है ज़्यादा पावरफुल बन गई, और इसने कहा कि भाई तुमने अपने फादर का जो है वो टर्म बनवाया है, तो हमारे फादर का भी बनवाओ। तो क्या है कि इसने उसका भी जो है इमादुद्दौला का भी जो है टर्म यहाँ पर लाहौर में बनवाया, ठीक है। उसमें भी वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है ना, मीनार वगैरह का आप देख ही सकते हैं, मीनार वगैरह का भी इस्तेमाल है। अब ये सब बताने की चीज़ है कि अगर देखिए भी मीनार बनाया गया है, आर्च का इस्तेमाल है ना, डोम का इस्तेमाल इसमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो आपको ये सब जो है बताने की चीज़ नहीं है, यहाँ पर डोम दिख रहा है ना, डोम का आर्किटेक्चर यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो ये सब आप खुद से जो है लिख सकते हैं कि इसके फीचर्स जो है क्या क्या है, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको शालीमार बाग कहते हैं, ठीक है। और ये श्रीनगर में है, ठीक है। श्रीनगर आपको पता है कहाँ है, JNK में, जम्मू कश्मीर में। और ये तो खैर फोटो उतना बढ़िया नहीं है, बहुत सुंदर लगता है बेसिकली, ठीक है। और इसका जो पैटर्न है आप देखिए, चार बाग पैटर्न जो है इसमें आप देखिए कि यहाँ से आप एंट्री करिएगा, क्या है इधर से देखिए, इधर से एंट्री करिएगा तो क्या है कि कोर्ट है, ठीक है ना, उसके बाद जो है पब्लिक ऑडियंस है, ठीक है। ये दीवाने खास है, सॉरी दीवाने आम है, ठीक है ना, दीवाने खास है इधर। ये इम्पेरर का टॉम्ब है, सॉरी इम्पेरर का जहाँ रहता है उसका जो है जगह है, ये गार्डन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इधर फिर क्या है, इधर गार्डन है, इधर लेडीज़ क्वार्टर है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा जो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इसलिए क्या है कि आप देखेंगे कि पूरा जो है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गार्डन गार्डन ही हो रखा है ना, पूरा इसका जो है वो हो रखा है, ठीक। उसके बाद हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहाँ के टाइम पीरियड को जो है रीन ऑफ मार्बल भी कहा जाता है ना, मतलब मार्बल का राज, ठीक है ना, मार्बल मतलब संगमरमर राज है ना। आप हिंदी वाले ये भी टर्म यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद आप देखेंगे ना कि ये जो है ना एक मतलब जो एक एपिटोम कहते हैं ना, वो एपिटोम था आर्किटेक्चर का, मुगल आर्किटेक्चर का, है ना। मतलब इससे बेहतर नमूने जो है आपको मुगल आर्किटेक्चर में नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है भाई, ताजमहल देखिए, कोई भी विदेशी भी कहीं का भी व्यक्ति हो और ताजमहल के बारे में अगर आप उसको नहीं पता हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत ही रेयर चांस है कि किसी भी विदेशी को या किसी भी व्यक्ति को ताजमहल के बारे में पता ना हो, ठीक है। तो ताजमहल जो है शाहजहाँ ने बनवाया था, आपको पता है। इसके अलावा वर्क्स ऑफ आगरा फोर्ट, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की ली है, कर ली है कि दीवाने आम और दीवाने खास ने बनाया था वहाँ पर। ताजमहल में आपको बेस्ट स्पेसिमेन मिलता है हर चीज़ का, ठीक है ना। आप देखिए ये डबल डोम है, आपको पता है, और ये ओनियन शाइप शेप जो है, ओनियन शेप डोम है ना, एक अंदर से ऐसे डोम होगा और एक ऊपर से पूरा ये डोम है, ठीक है ना, डबल डोम है ये, ठीक है। मतलब अंदर से जाएंगे तो आपको ये चिपटा हुआ दिखेगा और ऊपर से जो है आपको देख रहा है कितना सुंदर लग रहा है, देखिए आप, है ना। और उसके बाद क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें देखिए क्या जाली वर्क की गई है। ये जाली वर्क दिख रहे हैं आपको, ये जो है जाली वर्क दिख रहे हैं, इस तरह के जो है जाली वर्क किए गए हैं। आप देखेंगे मीनार का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया है कि चारों तरफ से चारों कोने पर जो है आप देख रहे हैं एकदम एकदम सिमेट्री में जो है चारों कोने पर इस्तेमाल किया गया है ना। अब इसका जो हम अभी पैटर्न आपको दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है आप देखेंगे वाटर बॉडी का इस्तेमाल किया गया है, चार बाग पैटर्न का जो इस्तेमाल किया गया है, बाग जो है आपको दिख रहे हैं ना। अभी इसका पैटर्न हम दिखाएंगे आपको किस तरह से इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो चीज़ होती थी इसमें आपको पिट्रा ड्यूरा दिखता था, ठीक है ना। पिट्रा ड्यूरा क्या होता था, आप देखिए ये जो गेट्स हैं, ये जो गेट्स हैं, ये जो पोर्शन है इसका हम जूम कर रहे हैं, ठीक है, उसका जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें ये देखिए कि ये जो मार्बल लगा हुआ, ये तो पूरा मार्बल है, ये पूरा मार्बल है, ठीक है। इसमें क्या है कि इंट्रिकेट रूप से जो है इसमें छेद कर करके, छेद कर करके क्या है कि इसमें जो है सेमी प्रेसियस स्टोन लगाया गया है। और ये कितना सुंदर दिखता है आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, इस तरह से जो है वर्क किया जाता है। इसी का नाम है पिट्रा ड्यूरा, ठीक है ना। तो आप जो है एग्ज़ाम में इसका रेफरेंस ज़रूर देंगे। ये ताजमहल का पूरा पैटर्न है, आप देखेंगे इधर क्या है, यमुना, ठीक है, इधर यमुना है, इधर यमुना बह रही है। उसके बाद क्या है, आप इधर से एंट्री करते हैं, ये एंट्री गेट है आपको पता है, इधर से देखिए आप चार बाग है। पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना चार बाग पैटर्न तो है, पर क्या है कि बीच
का स्ट्रक्चर ताजमहल नहीं है, जो प्राइम स्ट्रक्चर जो है वो ताजमहल नहीं है। क्यों? क्योंकि ताजमहल जो है शाहजहां वो रिवर फेसिंग बनाना चाहता था, ठीक है ना। तो एक तरफ आपको देखिए, एक तरफ रिवर दिखेगा, एक तरफ बाग दिखेंगे, बीच में ताजमहल दिखेगा, ठीक है। इस तरफ जो है आप देखेंगे कि इस तरफ मॉस्क है और इस तरफ जो है इसके क्वार्टर्स हैं, जो यहाँ पर वो रहते थे, है ना, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहते थे उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, आप एग्जैक्टली जो है वो आपको पता चल गया कि आर्च का इस्तेमाल हुआ है, डोम का इस्तेमाल हुआ है, मीनार का इस्तेमाल हुआ है, ये सब चीज़ें आप जो है एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से। उसके बाद जो शाहजहाँ ने और जो कैरी आउट किए थे चीज़ें, वो शाहजहानाबाद जो है इसने बनवाया, ठीक है ना। शाहजहानाबाद क्या है? एक शहर है जिसको हम जो दिल्ली के नाम से आज हम जानते हैं ना, पुरानी दिल्ली वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ना वो, ठीक है। और इसमें रेड फोर्ट जो है बनाया गया, आप देखिए पैटर्न, ठीक है। अच्छा एक चीज़, और जो आगरा में बनाया गया था ना, आगरा में मान के चलिए अगर ये रिवर है यमुना, ठीक है, अगर ये यमुना रिवर है और ये ताजमहल है आपका, ठीक है, ये ताजमहल का कॉम्प्लेक्स है, इधर ताजमहल है, इधर दो आपने वो देखे हैं एक स्ट्रक्चर अलग, इधर चारबाग पैटर्न में जो है आपको गार्डन्स दिखे हैं, ये एंट्रेंस है। अब इसमें क्या है ना कि इधर 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 जो है ना, ये जो है ये जो ज़मीनें हैं या प्लॉट्स हैं और ये जो बनाया जा रहे थे घर, ये बेसिकली इसने अपने नॉबल्स के लिए बनवाया था, ठीक है ना। नॉबल्स मतलब जो मनसबदार वगैरह होते थे और जो पावर में शेयर करते थे इनसे, उनके लिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको दिल्ली में नहीं दिखती है, ठीक है ना, ये एक डिफरेंस है। जो शाहजहानाबाद इसने बसाया था उसमें क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ एक कोने पर रेड फोर्ट है, जाओ कलर चेंज कर लूँ, यहाँ एक कोने में आपको रेड फोर्ट दिखेगा, इधर यमुना है और इधर कुछ नॉबल्स को जो है इन्होंने दिया गया था, पूरा जो है सिटी फोर्टिफाइड था ये, मतलब फोर्टिफाइड मतलब चारों बगल से किलेबंदी थी, ठीक है ना। और किलेबंदी में आप देखेंगे इस तरफ आपका कश्मीरी गेट है, यहाँ पर कहीं मोरी गेट है, ठीक है ना, ये अजमेरी गेट है, ये दिल्ली गेट है, कई सारे जो है गेट्स के थ्रू जो है ये इन्होंने, ये कश्मीर फेसिंग है क्योंकि ये कश्मीर की तरफ फेस करता था इसलिए इसका नाम जो है कश्मीरी गेट रखा गया, ये अजमेर की तरफ फेस करता था इसलिए इसका नाम अजमेरी गेट रखा गया, है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे, इधर राजघाट है, आप देखेंगे ये बाहर है, ये तो बहुत बाद में डेवलप किया गया था, ठीक है ना। तो जो सात राजधानी की बात हम करते हैं दिल्ली का, उसमें से भी एक शाहजहानाबाद जो है था, ठीक है ना, आपको पता होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इसने और क्या बनाया था, रेड फोर्ट, ठीक है ना, दिल्ली का जो रेड फोर्ट है और जामा मस्जिद है उसने इसी ने बनवाया था, ठीक है। और उस रेड फोर्ट में क्या है कि एक पीकॉक थ्रोन जो है रखा हुआ था, ये इस पर राजा बैठता था, सम्राट, और जो भी डिस्कशंस होते थे, जो भी सजा सुनाना होता था वो यहाँ से करता था। पर इसको क्या है, इसको जो है नादिर शाह लूट के ले गया था, ठीक है ना, शाह आलम के टाइम में शायद, एक मिनट। इसमें जो है आप देखेंगे कि माफ़ करिएगा, वो मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है ना, वो शाह आलम नहीं था, शाह आलम जो है उससे पहले ही था। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में जो है नादिर शाह का अटैक होता है 1739 में शायद, तो उस समय जो है पिकअप थ्रोन जो है ये ले जाता है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है चीज़, ये जो चीज़ दिख रहा है आपको, यही जो है वो सबसे कंटेस्टेड चीज़ है, जिसको जिसका नाम क्या है, कोहिनूर, ठीक है। कोहिनूर का मतलब होता है जो इल्यूमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड को, है ना। तो ये जो कोहिनूर है, जो सबसे एक्सपेंसिव जो है हीरा माना जाता है, वो कोहिनूर यहीं से ले गया था, और यहाँ से जो है ये नादिर शाह ले गया, मिडिल ईस्ट से जो है, फिर जो वेस्ट एशिया है वहाँ से जो है ब्रिटिश वगैरह जो है लेकर गए, ठीक है। रेड फोर्ट है, आपको पता है बाहर का व्यू आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं। और इसके अंदर जो होता है, आप जब इसके रेड फोर्ट के अंदर घुसेंगे तो क्या है, एक जो है पहले स्ट्रक्चर आएगा जिसमें ऊपर गोले बारूद रखे जाते थे ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है बनाया गया है ना, एक बाजार के थ्रू जो है रास्ता जाता है, आप देखेंगे यहाँ से जब आप इंटर करेंगे इधर से, तो एक बाजार की तरह गेट पार करने के बाद एक बाजार की तरह जो है ऐसे रास्ता जाता है, उसके बाद जो है एक बड़ा सा जो है वो आएगा स्ट्रक्चर आएगा, उसके ऊपर गोला बारूद जो है रखा जाता था, है ना, और तोप वोप उसमें दिखेंगे। उसके बाद जो है आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें ये पीकॉक थ्रोन रखा हुआ था, है ना, और स्ट्रक्चर जो है पीकॉक थ्रोन रखा हुआ था, और ये जो है अभी खाली है क्योंकि पीकॉक थ्रोन है नहीं, वो तो नादिर शाह ले गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है, और आप इसमें भी देखेंगे डोम वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, मीनार का इस्तेमाल किया गया है ना, और बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं। आप देखेंगे आर्च वार्च का इस्तेमाल यहाँ पर दिखे कितने बढ़िया से किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जो है कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद जो है जो राजा बनता है, उसके बाद आपको पता होगा कि कौन बनता है,
जो बहुत ही कंटेस्टेड रूलर है ना हिस्ट्री में, औरंगजेब, ठीक है ना। और औरंगजेब जब राजा बनता तो क्या होता है कि इसने पेंटिंग पर तो पूरी तरह से रोक लगा दिया, और इसने कोई आर्किटेक्चर भी नहीं बनाया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसको आर्ट वर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ये बहुत एम्बिशियस था। ये हमेशा जो है क्या करता था, साउथ इंडिया का एक्सपेडिशन, है ना, 3-4 फेज में साउथ इंडिया का एक्सपेडिशन करने किया। और इसने जो है, बहुत सारे स्टोरियन ऐसा मानते हैं कि ये जो एक्सपेडिशन किए इसने साउथ इंडिया, इसमें इंडिया में इसने बहुत सारे रिसोर्स जो है खर्च कर दिए इसमें, जिससे मुगल का डेक्लाइन हो गया, ठीक है ना। हम उसके उसमें अभी नहीं जाएंगे, हम डेक्लाइन ओक्लाइन जब पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। पर क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो आर्ट में नहीं था। इसकी वाइफ थी, अच्छा इसका बेटा था शाह आलम, है ना। तो इसने इसकी वाइफ का जो है मकबरा बनाया, जिसका नाम है बीबी का मकबरा, मतलब इसने अपनी मदर का जो है मकबरा बनाया, ठीक है। और बीबी का मकबरा जो है आप देखेंगे कि ये ऐसा मकबरा है, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और ये ताजमहल तो आपको पता है, एक कंपैरेटिव व्यू मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। बीबी का मकबरा एक ऐसा है, आप देखेंगे नहीं दिख रहा है आपको, ताजमहल की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या है कि ऐसा दिख रहा है कि ये इसका फर्स्ट कॉपी है, ठीक है ना। तो हालांकि फर्स्ट कॉपी भी मुझे नहीं लग रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि इतने आते आते ना शाह आलम के आते आते क्या है कि रिसोर्स इतना ज़्यादा ख़त्म हो गया, क्योंकि आप हमने पीछे के लेक्चर में बताया था आपको कि शाहजहाँ एक ऐसा रूलर था जो अपने टाइम का, या मतलब अभी तक का अगर कहें कि सबसे पैसे वाला जो है रूलर था, सबसे वेल्दी रूलर था, तो इसमें कोई जो है डाउट करने वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए उसने इतने लॉफ्टी जो है वो बनाए हैं, ठीक है ना, मुमताज़ में है, मुमताज़ बेगम की जो है याद में, है ना, ऐसा कहा जाता है। और आप देखेंगे कि इसने बीबी का मकबरा बनाया, वो ताजमहल जैसा बनाने की कोशिश किया, पर क्या है कि पैसा नहीं था, है ना, लो बजट ताजमहल है ये, ठीक है। तो आप इसमें भी देखेंगे क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, डोम इस्तेमाल किया गया है, मीनार इस्तेमाल किया गया है ना, आर्च वगैरह का इस्तेमाल ठीक ठाक किया गया है, जाली वर्क आपको दिखेगा यहाँ पर, है ना। तो ये सब जो है आप देख रहे हैं, और चारबाग पैटर्न का भी इस्तेमाल किया गया है, इधर बाघ है ना। तो इस तरह से क्या है कि आप देखेंगे, और ये चीज़ एक चीज़ और है कि सिमिलर डिज़ाइन है, पर इसमें जो है मटेरियल बहुत लो क्वालिटी का यूज़ किया गया है ना, मतलब रेड सैंडस्टोन से ये बनाया गया है, ठीक है ना। ऊपर से जो है ये क्या है, मार्बल वार्बल लगा दिया है कि भाई वैसा ही दिखे, पर वैसा एक्चुअली है नहीं, ठीक है। अच्छा, आर्ट की हम अगर बात करें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, तो क्या है कि आपको एक सिंथेसिस का जो एक कल्चर है ना, वो आपको दिखेगा। और उसमें क्या है कि हमने पीछे भी बात की है कि कैथरीन नेशर वगैरह को आप पढ़िए, इसके ऊपर कैथरीन नेशर वगैरह का जो है वो आर्टिकल वगैरह लिखे हैं उन्होंने। और ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब मान के चलिए कि टॉम्ब है, मस्क है, जो भी स्ट्रक्चर है, क्या है कि आप देखेंगे कि एक ही जगह पर कई स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। तो ये यूनिफाइंग एलिमेंट जो है आपको छोड़ के जाता है, ठीक है ना, कि मतलब एक ही जगह रिलीजन भी प्रैक्टिस कर लेता है राजा, है ना, और अलग अलग चीज़ें जो है वो देख रहे हैं, और जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उसका जो है आप इस्तेमाल जो है देखेंगे, खास के अकबर के टाइम में, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों का जो है इस्तेमाल होता है, जो लोकल लेवल पे जो है वो प्रचलित होता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए जो हम रहने देते हैं, मुगल पेंटिंग जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा मुगल पेंटिंग के ऊपर, ठीक है, और इसका जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके आर्किटेक्चर पे सवाल आता है, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपसे सिर्फ मुगल इंडिया का आर्किटेक्चर पूछा जाए, देखिए आर्किटेक्चर जो है आपको एक तो मिडिवल इंडिया का पूछा जा सकता है, ठीक है, और मिडिवल इंडिया का प्रोविंशियल अगर हो तो आपको क्या है कि विजयनगर और बंगाल ये सब का जो है, मालवा वगैरह का जो है ये बताना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर ये प्रोविंशियल नहीं पूछ रहा है, सेंट्रल पूछ रहा है, तो क्या है कि आपको जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल से, है ना, ये दोनों का बताना पड़ेगा, ठीक है। और आपसे अगर सिर्फ दिल्ली सल्तनत का पूछे तो सिर्फ दिल्ली सल्तनत का बताएंगे, सिर्फ मुगल का पूछे तो सिर्फ मुगल का बताएंगे, ठीक है ना। और मुगल का जब बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि फीचर जो दिल्ली सल्तनत वाले प्रैक्टिस कर रहे थे वो मुगल में खत्म हो गया था, है ना, फीचर ये भी रहेंगे, पर एग्जाम्पल आपको मुगल से देने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और मुगल में जो स्पेशल चीज़ें हो रही थी उसके बारे में आपको बात करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछे, ठीक है ना, तो आपको क्या है इसमें पेंटिंग भी शामिल करना पड़ेगा, ठीक है ना,
सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में पूछे तो इतनी बात करनी है, अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछे तो आपको पेंटिंग की भी बात करनी है, ठीक है। और पेंटिंग की जो है हम बात अगले लेक्चर में कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से, फ्रेंड सर्किल में या फिर जहाँ भी आपको वीडियो, जिसको भी अगर ये ज़रूरत लगता है कि भाई उसको ज़रूरी है ऐसे वीडियो की, तो उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। और चैनल को अगर आप ना देखने के बाद भी अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अभी के लिए थैंक यू। और कमेंट जो है आप करके बताएंगे कि आपको आगे क्या पढ़ना है, क्या पेंटिंग के बाद जो है आप क्या पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना। जैसे आप मुगल इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे, या फिर जो मिडिवल इंडिया के इकोनॉमी है वो उसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, या जो भी आपके सिलेबस में है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों से मैं कह रहा हूँ, जो भी आपके सिलेबस में है उसमें से आप जो भी प्रायोरिटी बेसिस पर पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हमें सबसे पहले जो है ये पढ़ाइए सर, ठीक है। आज के लिए हम देते हैं, और थैंक यू सो मच।